सभी खिलाड़ियों को मेरा जय हिंद। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिमनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में डिस्कस किया था पार्ट वन, और पार्ट वन में मैंने डिस्कस किए थे आपको लगभग 25 क्वेश्चन जो कि आपके ऑल एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, और हम फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस की बात करें BSc फिजिकल एजुकेशन BPED MPED वन डे एग्जाम, हर एग्जाम में आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि फैक्ट के तौर पर देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, पार्ट टू पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि पार्ट टू में लेकर आऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंसेस्टाइन, जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, लगभग जो है 1.5 मीटर देखने को मिलती है, और स्मॉल के बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था 7 मीटर। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फ्लूड पार्ट ऑफ ब्लड इज, जो ब्लड का जो लिक्विड जो पदार्थ होता है या द्रव्य पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पल्स रेट इन 1 मिनट, आपका जो पल्स रेट जो होता है वो 1 मिनट में कितना करता है, इसको हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट में आपका हार्ट कितना पंप करता है, जो धड़कता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो 72 टाइम्स बार जो है आपकी जो है धड़कन है जो चलती है। क्वेश्चन नंबर 29, नॉर्मल हम बात करें बॉडी टेम्परेचर की, जो सामान्य जो तापमान होता है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा फोकस करें, जी बहुत बार पूछा जाता है। सेल्सियस की हम बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस, फेरेनहाइट की हम बात करते हैं तो 98.4 फेरेनहाइट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बट मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट कर लेंगे, सेल्सियस और फेरेनहाइट की जब बात आती है तो मोस्टली स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को याद करके चलते हैं कि ये क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, बट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन घुमा के दिए जा रहे हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपके पास कोई वैल्यू दे देगा कि आपके पास जो है 120 जो है सी की वैल्यू दे रखी है, सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है 120, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फेरेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हैं प्रीवियस पेपर 2020 का भी देख सकते हैं और 17 का भी देख सकते हैं आप पेपर। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे निकालते हैं। तो मैंने बात करी है यहाँ पर सी इजिकल टू 120 सेल्सियस दे रखा है तो फेरेनहाइट की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला है आपका सी अपॉन 5 F माइनस 32 अपॉन के 9, ये फॉर्मूला है आपका सी अपॉन 5, और जब सी की वैल्यू इसमें रख दोगे 120, उसके बाद आपकी वैल्यू निकल कर आएगी, तो आपको कमेंट करके बॉक्स में ये बताना है कि कितनी वैल्यू आपकी निकल कर आई फेरेनहाइट की। ये आपके लिए टास्क है, अगर आप BPED BSc फिजिकल एजुकेशन एंड MPED की प्रिपरेशन कर रहे हैं वन डे एग्जाम की, तो ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इन टेम्परेचर को हर कोई याद करके चलता है, बट निकालने के लिए भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे हम इसको निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर में बात करूं 30 नंबर का क्वेश्चन बोलता है एवरेज ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, जो हमारा ब्लड होता है रक्त होता है उसका आयतन लगभग कितना होता है, तो 4 से 5 लीटर देखने को मिलता है। 31 क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ RBC, RBC रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है हर एग्जाम में, 120 डेज, 120 दिन का उनका जीवन काल होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम वन डे एग्जाम में। सारे क्वेश्चन वन लाइनर है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन मिलते ही रहते हैं और हम इनको स्किप कर देते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, बट आपके हर एंट्रेंस एग्जाम वन डे एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, आप प्रीवियस पेपर ओपन करके देख सकते हैं। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 32, 30 नंबर का क्वेश्चन बोलता है लाइफ स्पैन ऑफ WBC, WBC का जो जीवन काल होता है जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पल्स जो बोलते हैं, वो 10 से 15 दिन का होता है, बट आपको 15 दिन ऑप्शन नहीं मिलेगा, मैक्सिमम जो ऑप्शन बनते हैं वो 10 डेज का देखने को मिलता है। अगर ऐसे भी आता है कि 10 से 15 तो ये भी ऑप्शन रेयर केस में मिलेगा, अब आपको 10 जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इस पर भी आप फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं 33 की बात करूँ, 33
प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है वो लगभग 280 डेज का होता है, जिसको हम बोलते हैं 40 वीक। क्वेश्चन नंबर 34, नंबर ऑफ स्कैपुला, जो स्कैपुला बोन होती है आपके शरीर में कितनी होती है, वो 2 होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। जो आपकी पीठ के पीछे जो फ्लैट बोन होती है उसको हम बोलते हैं स्कैपुला। क्वेश्चन नंबर 35, नंबर ऑफ कैल्केनियस बोन, कैल्केनियस बोन जो होती है वो कहाँ पर होती है और इसको किस नाम से जानते हैं। ये कैल्केनियस बोन जो होती है ये आपकी हिल बोन के नाम से जानी जाती है, और ये आपकी जो एड़ी जिसको हम बोलते हैं, वो एड़ी जो होती है उसी को हम हिल बोन बोलते हैं, कैल्केनियस बोन बोलते हैं। लोअर पार्ट की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है, ये आपके शरीर में 2 देखने को मिलती हैं। 36 क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 36, नंबर ऑफ बोन इन पेल्विक, पेल्विक को हम बोलते हैं कूला, कूले में जो बोन होती है वो 3 बोन, 3 बोन देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं इलियम, इंसियम, पिविस। ये 3 बोन से मिलकर आपका कूला तैयार होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम, बनडे एग्जाम। 37 क्वेश्चन की मैं बात करूं, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी है, वो है आपकी थायराइड ग्लैंड। आपके लिए क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 38, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गेन, वो है स्प्लीन। 39, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा जो पार्ट माना जाता है वो है सेरिबेरम। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब मैं बात करूं, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, इससे रिलेटेड है, जो क्रेनियल नर्व जो होती है वो कितनी होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कोई सा पेपर उठा के देख सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर मैं बात करूं 40, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, वो है फीमर। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि मैंडिबल हमने पढ़ा है, उसके बारे में हम बताएंगे जब थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे आपको, ये वो क्यों है और ये क्यों है। क्वेश्चन नंबर 41, स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी एक मांसपेशी है। आप एक सबसे बड़ी पढ़ते हैं, एक सबसे लंबी पढ़ते हैं, आपने छोटी नहीं पढ़ी होगी, तो वो स्टेपिडियस जो मांसपेशी होती है मसल, वो मिडिल ईयर में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 41, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, गुणन सूत्र जिसको हम बोलते हैं, वो 46 होती है और 23 पेयर। 42 क्वेश्चन की बात करूं, नंबर ऑफ बोन इन न्यू बॉर्न बेबी, जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे में कितनी बोन देखने को मिलती है, 300। यह क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे ह्यूमन बॉडी की हम बात करें 206 बोन देखने को मिलती है। 43, आरबीसी प्रोड्यूस इन दी, आरबीसी जो होता है आपका रेड ब्लड जो सेल होता है वो कहाँ पर इसका जो है प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, बनती है, इस तरीके से कैसे भी हिंदी में इंग्लिश में पूछ सकता है, वो होता है बोन मैरो। अब बोन मैरो की मैं बात करूँ तो ये 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रेड बोन मैरो और एक होती है येल्लो बोन मैरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 टाइप्स की बोन मैरो हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 44, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं सर्वदाता, वो जो कौन सा ग्रुप है ब्लड का वो सर्वदाता के रूप में माना जाता है, वो है ओ। ब्लड ग्रुप की जब मैं बात करता हूं तो हमारे ब्लड ग्रुप जो है 4 टाइप्स के होते हैं, ए, ए बी, बी और ओ। 4 टाइप्स के हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम में। फिर इनके जो है ओप होते हैं, जैसे कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, इस तरीके से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 45, यूनिवर्सल रिसेप्शन ब्लड ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं सर्वग्राही। तो सर्वग्राही जो होता है वो जो है कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम और वनडे एग्जाम, वो होता है ए बी। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 46, लार्जेस्ट WBC, वाइट ब्लड जो सेल होता है, सबसे बड़ी जो जिसको हम बोलते हैं श्वेत कोशिका जो होती है वो मोनोसाइट होती है। स्मॉलेस्ट वो होती है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
जब सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड में पढ़ते हैं तो इनका बहुत बड़ा जिक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 48, इंक्रीज आरबीसी काउंट कॉल्ड, जब आरबीसी जब बढ़ती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, उसकी जो काउंटिंग है वो किस नाम से उसकी हम पहचान करते हैं, पॉलीसीथीमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप बोलते हैं आरबीसी एरिथ्रोसाइट जो होता है उसका जब इंक्रीज होता है तो उसको इस नाम से जानते हैं, पॉलीसीथीमिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, ब्लड बैंक इन द बॉडी, स्प्लीन को बोला जाता है ब्लड बैंक के तौर पर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करूं, नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है आपने देखा होगा, जो मैक्सिमम परसेंट ऑफ फैट लेते हैं वो भी नकली वाला, ऑयली वाला, ट्रांस फैट लेते हैं, घी ज्यादा खा रहे हैं, मक्खन ज्यादा खा रहे हैं, बाहर का प्रोडक्ट ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल आपने देखा होगा उनका बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारी बॉडी में वो लगभग 250 mg/dL देखने को मिलता है। यह क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। तो मैंने लगभग जो है आपके 2 पार्ट में जो मैंने बताया था कि इतने क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।